हाय फ्रेंड्स, मैं चंद प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आप लोगों को मैं बताया था कि एसएससी को दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नोटिस दिया गया था, एक एप्लीकेशन दिया गया था कि उनके डायरेक्टर के पास, एसएससी के डायरेक्टर के पास, कि आपको इतनी वैकेंसी है और आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करवानी है। एसएससी क्या की है, आज रीशेड्यूल किया है अपने कैलेंडर को, जो कि एग्जामिनेशन कैलेंडर था। देख रहे होंगे, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आप लोग के लिए खुशखबरी वो मैं बता दूं। देखिए, कांस्टेबल वाला जो वैकेंसी था, जो 2020 में कंडक्ट होगा टोटल, इसका एग्जामिनेशन डेट दे दिया है। अब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, कंफ्यूज मत होइएगा, नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं अभी आपको सिलेबस बता दूंगा पिछले के अनुसार, और इसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। साथ में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में जब नोटिफिकेशन आएगा तब पूरा डिटेल से तो बात की ही जाएगी, लेकिन अभी जो सिलेबस पिछले बार का है, जो ऑफिशियल सिलेबस, उसको आप लोग के साथ डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो कोई बात नहीं, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो लोग सीरियस हैं वो लोग तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि आपको डेट आ गया है दोस्तों 27/11 से लेके 14/12 तक। ठीक है, एक महीना एग्जाम चलेगा, एक महीने में सभी नहीं चलेगा, जो 27 को चलेगा, ठीक है, एक 30 को चलेगा, फिर एक को चलेगा, 3 को और 7 को, 11 को और 14 को चलेगा, एग्जाम कंटिन्यू रहेगा। साथ में इस नोटिस में और भी क्या है, सिलेबस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले देख लीजिए, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां पे तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सीएपीएफ के लिए चल रहा है, दिल्ली पुलिस इसमें भी आता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इसमें भी, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उसमें जुड़ के अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, तो इसके लिए भी बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी आ जाएगा। बहुत सारे लोग अभी पढ़ाई छोड़ देंगे क्योंकि डेट बढ़ गया एग्जामिनेशन का, इस वजह से। दोस्तों, तो जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ के पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका एग्जाम डेट जो है, देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं है। जिनका प्रिपरेशन कम है वो अब से भी लग जाइए, डेली सेट बनाइए, जैसे सेट चल रहा है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे और भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा गांव में आया हूं, क्योंकि मैं जहां पे रह रहा था वहां पे कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वहां पूरा सील कर दिया गया था, तो मैं वहां से निकल के गाँव चला आया हूँ, ताकि यहाँ अभी सब चीज नॉर्मल है। वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा अपलोड करने में, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि क्या करें, नेटवर्क का इशू है, साथ में गांव में है। देखिए, सीएचएसएल का जो एग्जाम होने वाला था वो कितना था, 17/8 से होने वाला था, 17 अगस्त से होने वाला था, लेकिन अब इसको बढ़ा के अक्टूबर में 10 से 16, 19, 21 और 26 अक्टूबर को कर दिया गया है। जूनियर इंजीनियर का था इसी तरह 27/10 से कर दिया गया है, और ग्रेजुएशन का जो टायर 2 जो मेंस है, जो 2/11 से लेके 5/11 तक चलेगा। ठीक है, और भी एग्जामिनेशन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 19/11 को है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को सिलेबस दिखा दूं, दिल्ली पुलिस के सिलेबस को। देखिए, दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो है ये क्या है, ये चार पार्टों में आएगा। चार पार्टों में सबसे पहले जो रहेगा जनरल नॉलेज रहेगा, और करंट अफेयर्स, जो पता ही आजकल तो करंट अफेयर्स पूछता ही है दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। इसी तरह कंप्यूटर का, दिल्ली पुलिस का या तो हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर एडब्ल्यूओ का हो, ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का या एडब्ल्यूओ का हो या फिर कांस्टेबल का वैकेंसी हो, सब में 10 मार्क्स का कंप्यूटर पूछ ही रहा है। दोस्तों, मैं कंप्यूटर का पीडीएफ जो है लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि कब पीडीएफ हम डाउनलोड करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गांव में आए हुए हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में एक दो रोज का वक्त लग जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पर रखता हूँ। धन्यवाद, आप लोग व्हाट्सएप पे आइए, जुड़िए और पढ़िए, डेली सेट बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।